वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। आप सबके लिए दोस्तों आज बहुत अच्छी खबर मैं लाया हूँ। आई होप आपको खबर सुन के बहुत अच्छा भी लगेगा और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है उसका क्रिप्टो मार्केट पे, खासकर इंडियन कंटेक्स्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा। और अगर हम देखते हैं पिछले एक दिन का बिटकॉइन, तो यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड भी जरूर दिख रहा है, क्योंकि बीच में जो रशिया यूक्रेन का जो तनाव बना हुआ था, उस तनाव को अगर देखेंगे हम, और स्पेसिफिकली जब ब्रिटेन ने और उसके बाद फिर यूएस ने कुछ सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया के ऊपर, जिसके चलते यहाँ पे हमें बिटकॉइन में उसका असर सीधे सीधे देखने को मिला है। क्योंकि जब किसी एक कंट्री पे सैंक्शन लगाए जाते हैं कुछ कंट्री के द्वारा, तो उसका उनके इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अब वो सैंक्शन इस तरीके से कुछ लगाए गए हैं जहाँ पे रशिया की इकोनॉमी में, उसके स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ के जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो थोड़ी सी हिल गई है, जिसके चलते अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो बिटकॉइन में हल्का सा हमें यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिली है। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ उठापटक हो रही थी, वहाँ पे अभी लगता है कि मार्केट शायद हल्का सा यहाँ पे एक राइज जरूर लेने वाली है, और ये इतनी जल्दी भी नहीं होने वाला, मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगता है। और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट जितने तरीके से खराब हुई है, मैं समझता हूँ आने वाले टाइम पे उसे ठीक होने के लिए भी यहाँ टाइम लगने वाला है। एक फंड क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी यहाँ शो कर रहा है कि शायद आने वाले टाइम में इसको जो रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि टाइम लगेगा लेकिन रिकवर जरूर होगी। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर जो मुझे आपसे शेयर करनी है वो ये है कि भारत सरकार ने यहाँ पर क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट को लेकर जो गाइडलाइंस थी उन्हें ओपन कर दिया है, उन्हें बता दिया है कि वो अब गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है और आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो क्रिप्टो की। इंडिया क्रिप्टो एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस आर आउट। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI has released guidelines for crypto for virtual digital asset related advertisements which will be applicable on or after April 1st, 2022. Earlier advertisement must not appear in the public domain unless they comply with the new guidelines after April 15th, 2022. यानी कि ASCI said it held extensive consultation with the different stakeholder including government and the virtual digital asset industry to frame the guidelines. यानी government ने यहाँ पे जो क्रिप्टो से रिलेटेड लोग हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, वहां से उनके साथ बैठकर ये गाइडलाइंस तैयार की हैं। अभी गाइडलाइंस क्या है दोस्तों, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। द प्राइमरी गाइडलाइंस रिक्वायर ऑल एड्स फॉर वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रोडक्ट्स एंड वीडीए एक्सचेंज और फीचरिंग वीडीएस टू कैरी द फॉलोइंग डिस्क्लेमर। अब यहाँ पे डिस्क्लेमर क्या आएगा दोस्तों, इस चीज को जरूर समझिएगा। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकोर्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन। सरकार ने यहाँ पर टैक्स तो लगा दिया क्रिप्टो पे, अब साथ ही साथ वो चाहती है कि जो लोग यहाँ इसकी ट्रेडिंग करते हैं उनको ये बात का पता चले कि ये कितना हाईली रिस्की है, और जब आप इसमें अपना नुकसान कर बैठते हो तो इससे आने वाला कोई भी जो लॉस है उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। इस बात को जरूर आप समझ लीजिएगा। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस द वर्ल्ड करेंसी सिक्योरिटीज कस्टोडियन डिपोजिटरीज may not be used in advertisement or VDA product or services as consumer associate these terms with the regulated product। यानी कि अब आप अपनी जो एड्स चलेंगी टीवी पे उस पर आप करेंसी का, सिक्योरिटी का, कस्टोडियन का, डिपोजिटरीज का यूज नहीं कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी में लेके जहां पे आप एड चला रहे हैं। उसके बाद द गाइडलाइंस ऑल्सो सीक्स दैट कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वीडीए प्रोडक्ट शेल कंटेन क्लियर एक्यूरेट सफिशियंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जीरो कॉस्ट विल नीड टू इंक्लूड ऑल कॉस्ट दैट द कंज्यूमर माइट रीजनेबली एसोसिएट विद द ऑफर और ट्रांजेक्शन। तो इस द गाइडलाइंस इंक्लूड अ रिक्वायरमेंट दैट रिटर्न्स फॉर पीरियड्स ऑफ लेस देन 12 मंथ्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन ऑन पास्ट परफॉर्मेंस शैल नॉट बी प्रोवाइडेड इन एनी पार्शियल और बायस मैनर। यानी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अपनी पिछली परफॉर्मेंस को देख के यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो वो पार्शियल भी नहीं होनी चाहिए और बायस मैनर भी नहीं होनी चाहिए। India's advertising watchdog believe that several of the crypto-related advertisements do not adequately disclose the risk associated with such product. यानी कि जहां पर भी क्रिप्टो की एड की बात आती है वहां पर जो कंपनीज होती हैं, क्रिप्टो कंपनीज होती हैं, जिनके क्रिप्टो टोकन्स कॉइन्स होते हैं, वो पूरे तरीके से उसके साथ जुड़े हुए खतरों को, रिस्क को नहीं बताते हैं लोगों को। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये गाइडलाइंस बनाई गई। साथ ही साथ नवंबर 2021 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बैठाई थी यहाँ पे रेगुलेटरी बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को लेके, तो उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि जो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है यंगस्टर्स को लेके, क्रिप्टो में लाने को लेके, ये यहाँ बंद की जाए। यानी कि अटेम्प्ट्स टू मिसलीड द यूथ थ्रू ओवर प्रोमिसिंग एंड नॉन ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजिंग, कि हमारा जो यूथ है उसको क्रिप्टो करेंसी के नाम पे बहकाया जा रहा है
बरगलाया जा रहा है कि ये ऐसा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। तो ये चीजों को बंद करने के लिए ही फिर उसके बाद ये गाइडलाइंस में कुछ तब्दीली लाई गई थी, और जो गाइडलाइंस हैं अभी लागू होने वाली हैं बहुत जल्दी। आपको 1 अप्रैल से आपको ये सारी की सारी चीजें अपने टेलीविजन पर देखने को मिलेंगी, इंटरनेट और सोशल मीडिया, फेसबुक, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। सो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और अगर ये एड्स आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, आप समझिए हर एक एक्सचेंज, हर एक टोकन, हर एक क्रिप्टो का यहाँ पे बात होना शुरू हो जाएगी। और एक अच्छी खबर दोस्तों आपको मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर ब्राजील ने एक क्रिप्टो को रेगुलेट करने का बिल लाया है, अगर वो देखेंगे तो ये बिल जो है वो ब्राजीलियन लैंग्वेज में है, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस बिल में यही कहा गया है कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसको हम दूर करेंगे, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बिल बनाना बहुत जरूरी है। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, द इंटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू कर्ब और रिस्ट्रिक्ट इलीगल प्रैक्टिसेस सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन एंड मनी अदर क्राइम्स। देर इज अ मार्केट दैट इज लिसिट लीगल विच इज द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस मार्केट, बट देर आर एक्सेप्शंस। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ब्राजील में भी इसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। दोस्तों देखो धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है जहां पर क्रिप्टो को कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे यूट्यूबर भले ही आपको नेगेटिव बातें बताते हो, लेकिन मेरे चैनल में आपको हमेशा पॉजिटिव अच्छी बातें ही दिखाई देंगी, जो आपको अच्छा एक यहाँ पे माहौल बताने की कोशिश की जाती है, ताकि आपके माइंड में नेगेटिविटी और वो दूसरे विचार ना आए क्रिप्टो को लेके। तो आप हमेशा मेरे चैनल पर अगर देखेंगे, आपको ऐसे ही वीडियो मैं लाऊंगा जहां पे आपको पॉजिटिव न्यूज दिखेगी, अच्छी न्यूज दिखेगी। वंस दिस रेगुलेशन इज अप्रूव्ड, द ट्रेंड इज दैट क्रिप्टो विल बी इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड इन द सुपर मार्केट, इन कॉमर्स, इन अ कार डीलरशिप। यानी कि बहुत अच्छी बात यहां पे लिखी है दोस्तों कि कम से कम ब्राजील जैसे देश में अगर क्रिप्टो रेगुलेट हो जाती है तो ये कि अच्छा एक इंपैक्ट इसका आने वाले टाइम पे यहाँ पड़ने वाला है। सो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो हम देखने को मिल रही हैं, जो हम समझ रहे हैं जिन चीजों को, तो अच्छी बात है। जहां पे इंडिया भी अपना यहाँ पे पार्टिसिपेशन दे रहा है क्रिप्टो को लेके, भले टैक्स लगा दिया, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रिप्टो को रेगुलेट करने की और एक कवायद चल पड़ी है। साथ ही साथ जैसा कि एड्स अभी शुरू हो जाएंगे तो सारा सारा पूरा जो भारत देश है वो सब एड्स को देखेगा, कहीं ना कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा, और बहुत से वॉल्यूम्स यहाँ एक्सचेंज में बढ़ने वाले हैं। सो बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो मुझे सब्सक्राइबर बेस बहुत बढ़ाना है, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर सपोर्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।